उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। मुसलमानों का पवित्र मास यानी रमजान। रमजान मास में हर एक मुसलमान रोजा रखता है। रोजा हृदय में शुद्ध करते हैं। रोजा बुराइयों के प्रति कवच है। चरित्र को ऊंचे शिखर तक पहुंचाते हैं। विचारों की शुद्धि के एक मास की प्रशिक्षण के बाद उपहार रूप मेहमान अल्लाह की ईद खुशी से मनाई जाती है। इस प्रसंग को हर मुसलमान खुशी से मनाता है। वैसे ही ईद स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन अरावली जिले के मोड़ासा नगर में मुसलमान बिरादरों के द्वारा किया गया। इस महोत्सव में हर एक मुसलमान जुड़ा और इस पर्व को एक अनोखी रस्म से निभाया। हर एक जाति में भाईचारा की भावना पैदा हो, इस उद्देश्य से मुस्लिम बिरादरों ने ईद स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र कुमार पटेल अध्यक्ष अरावली जिला माध्यमिक उच्च माध्यमिक मंडल, त्रिलोक भाई मेहता कन्वीनर सद्भावना फोरम, जनाब मकबूल अहमद अनारवाला निवृत्त IPS, जनाब डॉक्टर इक्तिखार मलिक अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद मोड़ासा ने हाजिर रहकर सभी मुस्लिम बिरादरों को साथ इस पर्व मनाया और मुल्क के चैन और अमन बने रहे वैसे अल्लाह से बंदगी की। ईमान सुव्यास, उज्जवल भारत न्यूज, अरवली। स्वागत प्रवचन गोपन आपने सांभ्यू शेख साहेबे सुंदर बात करी। आ जमात हिंद इस्लाम परिषद की प्रवृत्तियों रहेवा वर्षो थी आपने जोता आया छे अने ए संजोगों में कदाच हूँ मारी ओळखाण आपू तू वतनी सायरा नो आप बदा कदाच बाळ खाते ओळखता हसो नवी पेढ़ी थी पड़ी अहीं घना मित्रों वडीलो ના નજીક છે સાયરા હતી માજી સરપંચ પૂનમભાઈ ગોવર્ધન પટેલ બાબુ હાલ જે વિશાળ નોકરી કરતો હતો અને રિટાયર થયું અત્યારે સંચાલક મંડળના પ્રમુખ તરીકે મલિક સાહેબ બધા જોડી સંસ્થામાં કામ કરી શેખ સાહેબે સુંદર વાત કરી આવી સંસ્થાઓ જ્યારે પ્રવૃત્તિ કરતી હોય કોરોના વખત સમાજ જ્ઞાતિ જોયા વગર દરેક સમાજ જે હતા એ મદદ કરી એકબીજાને ઉપરાંત જરૂરિયાતમંદોની કામગીરી માટે આખી સંસ્થાને હું મારા તરફથી ધન્યવાદ આપું છું. अस्सलामु अलैकुम। ये ईद मिलन का कार्यक्रम है जिसे हम हर साल पिछले 35 सालों से मना रहे हैं। असल में इस कार्यक्रम का हमारा हेतु ये है कि हमारा भारत जिस वैविध्यपूर्ण संस्कृति का गहवारा है, उस वैविध्यपूर्ण संस्कृति का उत्सव के तौर पर मनाने के लिए हम ईद के उत्सव को एक अवसर बनाते हैं। हम समझते हैं कि भारत का विकास, भारत की समृद्धि का आधार, यहाँ के लोगों में सह अस्तित्व की भावना, प्रेम और भाईचारे की भावना को और ज़्यादा बढ़ावा देकर ही हो सकता है। हमारे मूल्यों में विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का जो महत्व है, उसी को और उजागर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं और साल में कई बार मनाते हैं। पर हमारा ये काम है कि हम विविध समुदायों के बीच में एक संवाद का सेतु हमेशा बना रहे, इसके लिए कोशिश करते रहते हैं।